वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है चुरा वैली, और मैं चुरा में ट्रैवल करता हूं, और आज मैं घूमने जा रहा हूं, और मेरे को थोड़ा ज़रूरी काम भी है। मैं चुरा के कुछ गांव में जाऊंगा, जैसे सलांचा हो गया, सगलुग्गा, और साथ में हो गया अपना घुघुआ और सलहान। तो हम वहाँ पर जाएंगे, ना बढ़िया होगा, मैं भी जाएंगे और हम साथ में। अभी मैं निकल चुका हूँ अपने घर से, अभी फ़िलहाल तो थोड़ा ही आगे आया हूँ, और सुबह के अभी टाइम हो रहे हैं पूरे 10 बजे मैं निकला हूँ। बिल्कुल अपने ट्रैक पर मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो चलो, तब तक आप आगे देखे नज़ारे कुछ। मेरे को उधर जाना है जो सामने नगर दिख रहा है इस गांव में। इधर से होते हुए आगे मैंने बहुत दूर जाना है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर सेब बिल्कुल बड़े हो चुके हैं, बस अब ये अगले अगस्त तक यहाँ से मंडी के लिए रवाना हो जाएंगे। ये है रॉयल वैरायटी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है। तीसा में सेब का उत्पादन बहुत अधिक होता है, ये देख सकते हो, ये गोल्डन है। ये नीचे जो ये सब कुछ दिख रहा है, ये बिल्कुल सेब है, सेब, और उस पार भी सेब ही हैं वो सारे। अभी हम आपको एक प्राचीनी पनिहारा दिखाएंगे, जहाँ पर शीतल जल होता है, बहुत ठंडा जिसे बोलते हैं, देख सकते हो। इसके पीछे बहुत अच्छा पत्थर से बनाए गए हैं ये। ये है इटालियन वैरायटी के सेब, और देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं और सेब की नहीं लगे हैं इनमें, आप देख सकते हो। इधर गोभी लगाई है अंदर अंदर से। अबे यार। देख सकते हो आप कितनी बढ़िया वैरायटी है ये। वाह, दिस इज अ ऑसम मैन। ये देखे तब वही कहा जाता है कि चुरा में सेब अधिक लगाया जाता है। ये पेड़ अभी चुरा में ग्रो कर रहा है, अभी उतने नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन इन पौधों की मांग इतनी अधिक हो रही है ना कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। बिल्कुल लाल हो गया देखो ये, वाओ मैन, वाटा सेब। कलर देखे ना आप, मैं पहुंच चुका हूँ शिलांचा रोड पर, और ये यहाँ से पहले शिलांचा के लिए जाता है रास्ता, और ये सगलुग्गा के लिए रोड जाती है। और अभी मैं निकल चुका हूँ सगलुग्गा के लिए, शिलांचा को पीछे छोड़कर दूसरे गांव की ओर बढ़ते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सगलुग्गा यहाँ से भी दिखता है, वो देख सकते हो उधर। अभी हम पहुंच चुके हैं मदन स्कूल में, राजकीय माध्यमिक पाठशाला मदन। ये ग्राउंड, यहाँ पर पहले क्रिकेट के मैच भी हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं। दूसरा ग्राउंड नीचे भुंजराड़ू में बन चुका है। तो ये है यहाँ पर मदन स्कूल। राजकीय प्राथमिक पाठशाला मदन, उधर सुखधार दिख रहा है और शिंगाधार, इधर सनवाल का इलाका,
ये बोंदेड़ी का इलाका, ये सगलुग्गा। ये सामने जो दिख रहा है ये है टटरोग, ये दूसरा टटरोग, वो सामने सगलुग्गा, सेकंड सगलुग्गा, नीचे घुघुआ और खुशनगरी बट आईटीआई भी दिख रही है यहाँ से। हम पहुंच चुके हैं अभी सगलुग्गा गांव में। ये रहा सगलुग्गा गांव पूरा, और ये है गरारी, अपनी भाषा में नीचे तक जाती है ये हमारा प्यारा सगलुग्गा, जहाँ पर हम सगलुग्गा में पहुंच चुके हैं। तो हम अभी पहुंच चुके हैं सगलुग्गा में, और ये आप व्यू देख सकते हो पूरा सगलुग्गा से। भी मैं निकल चुका हूँ सगलुग्गा से, सेकंड सगलुग्गा के लिए रवाना हो चुका हूँ। ये है सगलुग्गा, वहाँ से चले और अभी बस पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल में, तीसरे पड़ाव पर। अभी कुछ ठंडा ठंडा पीते हैं, गर्मी में तो जान निकल गई है अभी सेहों के नीचे। हम पहुंच चुके हैं बनियोगा में, जो सामने ये गांव दिख रही है बनियोगा, और इससे जो सामने पार दिख रहा है वो है बोंदेड़ी, और बोंदेड़ी से जो परे आपको कैमरे में रोड दिख रही है ये है मंगली रोड, लास्ट मंगली तक रोड जाता है यही। और ये पहुंच चुके हैं हम अभी बनियोगा में, और टाइम हो रहे हैं अभी दोपहर के 1, और साथ में ठंडी ठंडी हवा लगी है, बिल्कुल गर्मी छूमंतर हो चुकी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप मेरे को बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सा वीडियो का अच्छा पार्ट लगा और कौन सी कमी रही, प्लीज़ मेंशन करें। प्लीज़ आप मेरे को बताएं कि ये चीज़ गलत हुई, यहाँ पर ये होना था, प्लीज़ बताइए। वाओ, मौसम देखिए एकदम सुहावना, धूप गायब हो चुकी है और मुंजाड़ू भी दिख रहा है यहाँ से, और सनवाल तक नहीं दिख रहा है लेकिन यार्ड दिख रहा है सनवाल का लास्ट, और इधर बोंदेड़ी वाला इलाका ये बनी होगा। और बस अब निकल चुका हूँ मैं घर की ओर। ये बर्तन भांडे चुका है, तो बस सीधा ही घर निकलूंगा मैं अभी, 1-1.5 घंटा लग जाएगा मेरे को घर पहुंचने में। तो कैसी लगी ये आपको वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ऐसी बढ़िया वीडियो देखने के लिए। हाँ, और साथ ही में हम जा रहे हैं इस शुक्रवार को शायद कहीं घूमने, गेस करना, पहाड़ों में जा रहे हैं। कमेंट बताना कि कहाँ जा रहे हैं, शायद आप बता सकें लोकेशन, हम बता दिए आपको कि पहाड़ों में जा रहे हैं कहीं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।